Hello and welcome. Jab wo yahan aayi, when she actually reached New Delhi, India, what happened was chaos at the airport. People climbed onto her car. They wanted to meet with her. They wanted to take selfies with her. What happened after that was one journalist actually injured himself and he was bleeding. It was literally a war to be with Dipa Karmakar. We at NDTV have her right here in the studio. Thank you so much for being with NDTV. Vishweshwar Nandidi, her coach, the man behind who she is really today. Thank you so much for being here in the studios with us. जब मैंने शुरुआत करी आपके बारे में सोचने की, मुझे पता नहीं था कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि जब मैं बचपन में थोड़ी सी जिमनास्टिक्स करता था तो मैं वो फॉरवर्ड रोल में ही अटक जाता था और उसके बाद बैकवर्ड रोल होती थी और फिर समरसॉल्ट होती थी, फिर वॉल्ट आया तो मैं तो वहीं मतलब रुक गया और दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ चला गया. शुरुआत आपसे ये करना चाहता था कि अब आप आ गई हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इंडिया को पता चला है कि जिमनास्टिक्स है क्या. पहले सर्कस, जैसे आपने कहा था एक पहले इंटरव्यू में कि लोग सोचते थे कि सर्कस है, अब आपको लगता है कि एक्चुअली कुछ चेंज आया है या सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है? नहीं, बिल्कुल चेंज आया है, क्योंकि पूरे इंडियन को पता चला ऐसा भी एक गेम है जिमनास्टिक्स हमारे देश में, वो भी कुछ कर सकते हैं. आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये थोड़ा सा गुस्सा करती हैं और मैंने कल देखा कि जब जर्नलिस्ट के साथ आपका इंटरव्यू हो रहा था, कुछ टाइम पे आप थोड़ा सा मतलब गुस्सा आ गया था. जायज है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें हम सब काफी मतलब इस चीज के वाकिफ हैं कि हम गुस्सा क्रिएट कर देते हैं लोगों में. इस गुस्से को आपने कैसे चैनलाइज करा? देखिए, थोड़ा गुस्सा नहीं, इसका गुस्सा बहुत ज्यादा है. कभी कभी इसका गुस्सा, एक चीज बताएंगे कैसे क्या हुआ था, कब आपको पता चला था कि उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है? बचपन में ये 7 साल उम्र पे मेरे पास आया तो उसका फादर वेटलिफ्टिंग कोच है, मेरा दोस्त है, उन्होंने कहा नंदी ये थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है, प्लीज थोड़ा संभाल लेना उसको, बचपना ज्यादा है. मैंने कहा तुम चिंता ना करो, हम संभाल लेंगे. तो उसने जो एक्सरसाइज मतलब सीखने के लिए कोशिश करता था तो मैंने उसको कोचिंग कर देता, अगर वो एक्सरसाइज ठीक से पापा नहीं हो रहा है उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था. मतलब चिल्लाते था, क्या करता नहीं चिल्लाने, मतलब गुस्से से मतलब क्या करेगा वो खुद को नहीं पता. जैसे दीवार पे गुस्सा मार दिया या लात मार दिया दीवार पे, तो ऐसा भी करते थे. तो कभी कभी तो गुस्सा से जाके ना घर में ना तो पढ़ाई ना तो खाना पीना, तो उसका घर से फोन आते थे नंदी ये तो खाना भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है. मैंने कहा क्यों, कहता है उसका एक्सरसाइज आज कंप्लीट नहीं हुआ. मैंने कहा फोन दो उसको. तो मैं समझाता था बेटा एक दिन में तुम एक्सरसाइज नहीं सीख सकते हो, टाइम लगता है, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ, मैं सिखा दूंगा. गुस्सा अच्छी चीज है बुरी चीज है? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर बिना गुस्से के वो कुछ नहीं कर सकते. मैं भी यही मानता हूँ, बिल्कुल यही मानता हूँ. कभी मैं जब गुस्सा करता हूँ तो लोग सोचते हैं ज्यादा गुस्सा हो रहा है, पर मैं समझाता हूँ कि गुस्सा अच्छी चीज है काम के लिए. कोई बात नहीं, अब हम रियो के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली उसके बारे में. मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप 8th जब आए थे, क्वालिफाई करे थे, उस टाइम आपको क्या लग रहा था, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टाइट था, मतलब ऐसा कॉम्पिटिशन कम ही मिलता है और बहुत टाइट था, तो आपको लगा था कि उस टाइम आपको मेडल मिल सकता है या नहीं? देखिए, वो जो 8 में जाते हैं ना वो 8 ही मेडलिस्ट है, क्योंकि जो 2nd में क्वालिफाई किया था हमारे गर्ल्स में वो 7th प्लेस में गया फाइनल के दिन. पर उस दिन कुछ भी हो सकते, जब मैं 8 में क्वालिफाई किया मेरा तो ये सोचना था मुझे अपना बेस्ट देना है, किसी भी हालत में मैं जितना सीख के गई मुझे अच्छा देना है मेरा दोनों वर्ल्ड को. बस वही सोच के मैंने किया, तो मेरा फर्स्ट टाइम 15+ हुआ, ऐसे भी इतना अच्छा एक पोडियम पे ओलंपिक जैसे, और 4th प्लेस है. हाँ, थोड़ी देर थोड़ा 0.15 के लिए मेडल गए, उसका भी दुख बहुत ज्यादा है. लास्ट चांस थी, क्योंकि जब आपने अपना खत्म करा, आपका सेकंड वर्ल्ड जो खत्म करा, प्रोटोनोवा जो खत्म करा, उस टाइम आप एक्चुअली 3rd प्लेस में थे, फिर 2 और लोग थे, एक रशियन थी और अमेरिकन जो एक्चुअली जीती सिमोना बेल्स, उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपको पता था कि आप अभी ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन पे हैं? नहीं, मुझे पता था मैं अगर करने के बाद खत्म करता फर्स्ट नंबर पे तो मैं एक मेडल पे पक्का, पर मुझे जब देखा मैंने कि मेरा सेलबर्न में आ गया, तब मैंने बोला कि नहीं मैं 4th में चले जाऊं, क्योंकि मेरे जो लास्ट 2 बचा और थे मेरे से बहुत अच्छे ये लोग. सिमोन बेल्स उसका तो कोई बात ही नहीं, ला जवाब है वो. सेकेंड जो मारिया पसी का, वो लास्ट ईयर के ओलंपिक मेडलिस्ट है और इस इवेंट की है, और जो स्विस वाली है वो तो मेरी रोल मॉडल है. तो मेरे से तीनों बहुत अच्छे थे इतना मैं जानती हूँ, पर मैं इनके साथ कॉम्पीट करके भी इतना अच्छा स्कोर आया इसमें मैं खुश थी.
अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि कुछ लोग शायद ये जानते नहीं होंगे, जिम्नास्टिक्स में इतना सा स्कोर में डिफरेंस होता है, इतना सा, और आप 0.150 से आपको फोर्थ प्लेस मिला, 0.150 और आते तो आप थर्ड प्लेस में होते। और यही चीज मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो गोल्ड मेडलिस्ट थी आपके इवेंट में वो इतनी अच्छी हैं, लोग कहते हैं कि जिस पॉइंट पे वो फिनिश करती है दो दो पॉइंट या एक पॉइंट पीछे लोग होते हैं। इस बारी कुछ 1.7 पीछे थे लोग, उसके साथ दो पॉइंट डिफरेंस था उसका सारा। तो इतनी अच्छी कैसे है, मतलब वो क्या करती है जो अलग है, जो आपको करना चाहिए, जो आप करना चाहती हैं, जो आप करेंगी अभी, क्या चीज है जो आपको एम्युलेट करना है? देखिए, ये लोग लास्ट 4 साल से इस ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे। ये लोग सिर्फ एक एक ओलंपिक खेलते बस, इसका जैसे लास्ट 2012 से इसके लिए तैयारी कर रहे। वो एक ही ओलंपिक्स खेलेंगी? हाँ, पता नहीं अभी वो कंटिन्यू करेगी। 3-time वर्ल्ड चैंपियन है ना? हाँ, 3-time कंटिन्यू वर्ल्ड चैंपियन विद 5 गोल्ड के साथ। और जो लास्ट ईयर की चैंपियन थी ग्रेबी डगलस, उसको तो इस बार एक भी मेडल नहीं मिला, वो ऑलराउंड चैंपियन थी। पर उन लोगों का ऐसा है कि उन लोगों के उधर जैसे अभी 2020 के लिए अभी से तैयारी, जैसे हमारा भी टारगेट है 2020। लेकिन हम ऐसे तैयारी नहीं करते इंडिया में, क्यों? क्योंकि हमें क्वालिफिकेशन का जो है, उन लोगों का टीम क्वालिफाई होता है, हमारा टीम नहीं था। हमारा सिंगल था, तो सिंगल बहुत लेट होता है। जैसे हमें जाने से पहले सिर्फ 3 महीना मिला था, हमें 3 महीने में हम प्रैक्टिस करके जाके वहाँ पे कम, मतलब वो 4 साल में करते हैं और आप 3 महीने में करते हैं। नहीं, इसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ। बताएं। हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब गया तब उसने रिजर्व में था, रिजर्व के बाद उनको बुलाया गया टेस्ट इवेंट के लिए। आपको ओलंपिक क्वालिफाई करना है तो आपको टेस्ट इवेंट में चांस दिया जाता है, आप आओ कंपटीशन करो, जिसमें ये क्वालिफाई करी थी। हाँ, जिसमें वो क्वालिफाई करी थी। अप्रैल नोवा भी करा था। हाँ, अप्रैल 18 को है। हाँ, इस साल की। हाँ, तो इसके बाद जब क्वालिफाई किया, हमें सिर्फ 3 महीना प्रैक्टिस के लिए मिला, मई जून जुलाई। तो जुलाई लास्ट में हमने चला गया सिर्फ 3 महीना प्रैक्टिस करके, क्योंकि अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप से इसने क्वालिफाई कर जाती तो हमें कम से कम 7-8 महीना मिलता प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत अच्छा होता हमारे लिए, क्योंकि हमने लेट क्वालिफाई किया और 3 महीना मिला। और 3 महीना यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, उनकी टीम क्वालिफाई होती है। आपको लगता नहीं है कि हमारी जो प्रिपरेशन है बहुत कम है कंपैरिजन में? और उसको अगर देखा जाए, उसको देखा जाए तो जहां तक ये पहुंची है मिरेकल ही है। हाँ, ये सही बोला आपने, सही बोला। देखिए, फैसिलिटीज के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो मैं बोलूंगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास हमारा जिम्नास्टिक का बहुत सारे फैसिलिटीज है। उन्होंने जब हमें दीपा ने क्वालिफाई किया तो 15 दिन के अंदर फ्रांस से सामान मांगा के दिया। लेकिन एक एक चीज बताइए, क्वालिफाई करने के बाद क्यों? देखिए, कुछ करना पड़ता है पहले। देखिए, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये टैलेंट है, कि उधर सामान दे दो, अगर मिसप्लेस हो गया तो फिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो हमें पहले कुछ करके दिखाना पड़ता है कि भाई हमारा गेम है, आप फैसिलिटीज दो हम। लेकिन अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज में कोई करके नहीं दिखाता, उनका कल्चर है जिम्नास्टिक्स का, मैं मानता हूं। लेकिन ये चीज है कि वो कहते हैं कि आप करो या ना करो, हम सब कुछ देंगे आपको। देखिए, उधर प्राइवेट संस्था बहुत ज्यादा है, प्राइवेट क्लब बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि किसने लेट डाउन करा है आपको? प्राइवेटली लोगों ने लेट डाउन करा है, अवेयरनेस नहीं है। सब जानते हैं कि अमेरिका में क्या कल्चर है, वहां पे हर बच्चा जाता है जिम्नास्टिक्स करने, रशिया में जाता है, चाइना में जाता है, हर जगह जाता है। इंडिया में एक हमारी मेंबर वहां पे जाके खड़े होके, आप कोच सिर्फ और उनकी पूरी टीम्स जा रही हैं और हम कह रहे हैं कि फोर्थ आई है और मेडल नहीं आया है, मतलब कुछ लोग ऐसे थे। हमारा तो ये शुरुआत हुआ उन लोगों का बहुत पहले से था। हमारा शुरुआत हुआ, हम आगे भी टीम के साथ जाएंगे पूरे मेंबर पे जब खड़ा होंगे। मैं बस ये समझना चाहता था कि आप दोनों, मैंने देखा ना कुछ इंटरव्यूज में कि आप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट बहुत कम बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके लिए उन्होंने कराया, समझता हूँ मैं। दूसरों के लिए वो जो एक ग्रास रूट लेवल पे करते हैं वो सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम करते नहीं है। देखिए, हमने किसी का अगेंस्ट में नहीं जाना, क्योंकि हमें आगे के लिए सोचना है। क्योंकि दीपा कर्मकार मैक्सिमम और 5-6 साल चलेगी, इसके बाद भी जिम्नास्ट रहेगी, तो हमने अगेंस्ट में क्यों जाए? एक 41-year-old आपके साथ थी, आपको जा सकते हैं आगे तक। तो हमें ये सोच के मतलब आगे बढ़ना है, क्योंकि जिम्नास्टिक को आगे बढ़ाना है। जिम्नास्टिक देखिए इंडिया में बहुत कम है, ये तो मैं मानता हूँ, हर स्टेट में वो फैसिलिटीज नहीं है। और इसका सामान जो है कम से कम 4.5 करोड़ का आता है, तो हर स्टेट
मतलब फट से ये खरीद नहीं सकता, वही मैं कह रहा था। हाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है ऐसे हमारा स्टेट में त्रिपुरा में, टाइम पे नहीं दिया शायद। नहीं नहीं टाइम पे 2010 में दिया, इसीलिए तो अभी आप आए, नहीं तो कैसे आप आए। आपको दिया, औरों को नहीं दिया क्योंकि हमारे स्टेट को दिया। हाँ आपके स्टेट को दिया, दूसरे स्टेट्स को शायद नहीं दिया, दिया होगा पता नहीं, वो पता नहीं आपको, कोई बात नहीं। अच्छा तो इसके बारे में और बात करेंगे बाद में, पर आपसे बस अब ये समझना है मुझे कि आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में बात कर सकते हैं अगर, क्योंकि लोग ये समझते हैं, मैं जानता हूँ आप थक गए हैं इस बारे में कि कहते कहते कि मैंने ये शुरुआत करी वो शुरुआत करी, पर मैंने कहीं सुना कि जब आप पहले अपने जिम पे गई थी तो कुछ इक्विपमेंट नहीं था, चूहे थे वहाँ पे। देखिए वो अभी भी वैसा है, थोड़ा पहले मैं क्लब में करती थी पहले शुरुआत, मेरा कोच मैं शुमानंदी था, वो हमारे स्टेट इतना छोटा है, बहुत ही गरीब है, वहाँ पे हम नहीं खरीद सकते जिमनास्टिक्स की। एक जो फ्लोर एक्सरसाइज ग्राउंड है वो कम से कम 50 लाख के आते हैं, जो हमें साई ने ला के दिया है रिसेंट, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहुत हेल्प थी हमारे साथ, साथ में जिमनास्टिक्स फेडरेशन की, और अगर हम बिना स्टेट के सपोर्ट के हम इधर नहीं आ सकते, नहीं, बिल्कुल सही। साथ में मुझे गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने भी सपोर्ट किया, मिनिस्टर उन लोगों का बहुत सपोर्ट किया, और मेरे कोच तो है ही नंदी सर, उनका बहुत सपोर्ट था, इसीलिए आज इधर। क्योंकि वो जिसके पास कुछ करने की हिम्मत हो वो कैसे भी कर सकते, जैसे आप देखिए हमारे साथ बहुत कंटीजन के साथ फॉरेन कोच था, पर इंडिया में मेडल किसने लाया, इंडियन कोचेस ने। अब इस बारे में भी सोचिए, हम फॉरेन कोच फॉरेन सब में सोचते हैं, पर सबने मेडल लाया, इंडियन कोचेस को देखे ना, जैसे सिंधु ने लाया, गोपीचंद इंडिया ने, साक्षी का कोच इंडिया ने, मेरा भी रिजल्ट ठीक ठाक है, मेरा कोच इंडिया ने, जितना भी अच्छे सारे इंडियन, इंडिया में सब फैसिलिटीज है, सब है, बस हमें सिर्फ करके दिखाना है। ठीक है, थोड़ा सा शुरुआत जब हुई थी, किस दिन कैसे आपने डिसाइड करा कि हाँ मुझे जिमनास्टिक्स, मतलब जिमनास्टिक करना नहीं है, आप जिम के अंदर जाना चाहती हैं? वो तो मुझे याद नहीं है, मैं बहुत ही छोटी थी, साढ़े पांच साल की थी जब मैंने एंट्री किया था। मुझे याद है वो पापा के साथ जाती थी तो बस ऐसे ही करती थी जैसे कराते थे, पर वो तो वेट लिफ्टिंग करते थे ना। हाँ मैं पापा के साथ जाती थी, पापा के जिम के साथ ही था जिमनास्टिक्स की हॉल भी, उसमें मैं करती थी। ठीक है, आपकी मम्मी ने एक बहुत अच्छा प्यारा सा इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि वो आपको कभी नहीं देखती, आपको कभी टीवी पे परफॉर्म करते हुए नहीं देखती क्योंकि वो डरती हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए ये हो सकता है क्योंकि पेरेंट्स को हम जो जब करते हैं हमसे ज्यादा, जैसे हमारी कोच सर को डर रहते हैं, जो देखते हैं इनको ज्यादा डर लगता है, जिनको देखते हैं उनको ज्यादा टेंशन रहती है क्या होगा, अभी हम तो कर लेते करके, हमें पता नहीं हम क्या करके, पर इसीलिए उन्होंने नहीं देखता। वो बात है, अभी तक मेरे मम्मी जिम में नहीं आई मेरा देखने गेम। आप शायद खुश हैं इस बात की। अच्छा थोड़ी और चीज बात करें तो, जब आपने डिसाइड करा कि इंटरनेशनली मुझे कुछ करना है, अब लेवल बढ़ाना है, मतलब इंडिया में फैसिलिटीज थोड़ी सी कम थी पर आपको 2010 में मिली जब आशीष ने परफॉर्मेंस दी सीडब्ल्यूजी में, तो मैं जानता हूं वो कि आशीष एक बड़ी इंस्पिरेशन था जिमनास्टिक्स के लिए, आप सबके लिए, क्योंकि आपने भी कहा कि तब मुझे लगा कि हाँ औरतों को भी कुछ करना चाहिए और मेडल लाना चाहिए। लेकिन आपने कब डिसाइड करा उसके पहले कि अब यार इंटरनेशनली कुछ करना है, नेशनल में तो कर लिया मैंने? मैं 2010 के बाद ही, जब आशीष भैया का मेडल आया उसके बाद ही लगा नहीं हमें गर्ल्स को भी करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमेशा ही बॉयज बॉयज करते थे सब, हमें पता भी नहीं लोगों था आगे लोगों को जिमनास्टिक, तब हमें लगा कि नहीं, क्योंकि हमारे एक फॉरेन कोच भी आए थे, उन्होंने भी 2014 कॉमनल से पहले बोला कि कुछ कर सकते तो सिर्फ बॉयज कर सकते, गर्ल्स से कुछ नहीं, सिर्फ तीनों बॉयज को नाम लिया था गर्ल्स को, तब हमारी कोच नंदी सर ने बोला बेटा किसी भी हालत में तुम्हें इस बार 14 में तुम लोगों को अच्छा रिजल्ट देके मेडल लाना है, बस उसको हम टारगेट लेके आके चलते गए। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये एक बहुत पुरानी सेइंग है इंडिया में, आप इसको इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बोलूंगी अगर खेलेगा तो देश के लिए मेडल लाएगा, तो पूरा जो पूरा वर्ल्ड में हमारे देश के जो झंडे बहुत ऊपर उठेगा, साथ में पढ़ाई तो चाहिए, पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप? हाँ सही बोला उसने, मैं तो कहता हूँ बेटियाँ देश का लक्ष्मी होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खेल कूद में डालो।